हैं कल कितना बजे समूह के हम गए थे पलम्बर ढूंढने के लिए। पलम्बर इनके यहाँ से पानी कहीं लीक कर रहा था प्रसाद अंकल के यहाँ, तो हमको बोले कि बुलाओ एगो। तो जो मेरे पास नंबर था वो फोन नहीं उठा रहा था, तो हम चले गए। ये जो सिटी मॉल है ना, तो सिटी मॉल का जो दीवार है उसमें एक पलम्बर का नंबर दिया हुआ था, देखिए। तो आया हाँ, वही नंबर वा जो है, हम खाली फोटो लेने गए थे और उधर हमसे दो काम करने के गए थे, एगो यही नंबर वा लेने के लिए और अपना दूध लेने के लिए। तो उधर से आकर लौट के देखें तो यहाँ पे कौन एगो गाड़ी खड़ा था नीचे में, एगो बाइक, लाल बाइक। तो देखिए कौन गाड़ी खड़ा था, देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए ये गाड़ी, लाल गाड़ी, नंबर उम्बर सब लिए हुआ है, देखिए सामने हमसे। ये हमसे अभी इतना देर, लगभग 5-7 मिनट हुआ होगा, इतना देर में फटाक से कौन आ गया। हाँ, तो देखिए होता क्या है ना कि लिफ्टवा में जब चढ़ता है ना आदमी तो बहुत कंफ्यूज ही आ जाता है, जाना चाहता है कहीं और, पहुँचता कहीं और है। अगर उसको थर्ड फ्लोर में जाना रहता है तो पहुँच जाता है 5 तल्ला। तो कहाँ जाना था उसको जाना था प्रसाद जी के यहाँ। हाँ हाँ, एक्वा गार्ड बनाने आया था। हम उसे पूछे, उधर से उतर रहा था, हम पूछे, हम बोले कौन है इसको पता करते हैं। हम उधर चढ़ ही रहे थे, उतर रहा है, बोले कहाँ किसके यहाँ गए थे। तो बोला प्रसाद जी के यहाँ गए थे, ये थर्ड फ्लोर में गए थे, थर्ड फ्लोर में प्रसाद जी। तो क्या चीज़ के लिए, बोला एक्वा गार्ड बनाने गए थे। तो हम बोले कि लिफ्ट उप का यूज मत कीजिएगा, हम बोले फंस जाइएगा तो फंसले रह जाइएगा, है ना, कोई निकालने वाला नहीं, डीजी वीजी है नहीं यहाँ पे। हम सीधा बोले नहीं तो आया था तो एक्वा गार्ड बनाने से ये तो नहीं बोला कि हम एक्वा गार्ड बनाने आए हैं, ये नहीं बोला ना। 5 तल्ला पर आया था, कहता कि इसी में देखिए ना बी लिखा है कि क्या बताया, मतलब देख इसी में रहते थे कौन सिन्हा। हम बोले ना ये सब नाम का ओ सिन्हा। हाँ, तो उनकी पत्नी का नाम है सिन्हा ना, सुनीता सिन्हा। अच्छा, सुनीता सिन्हा के नाम से होगा, फिर भी लिखल होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग का सामने में है, हम लोग का सामने में वही नंबर दिखा रहा था। आपके सामने में कोई रहता ही नहीं है तो, हाँ तो वो कंफ्यूज कर गया क्योंकि इधर उल्टा साइड पड़ रहा है ना, तो नीचे में थर्ड फ्लोर में इस तरफ पड़ता है, तो उसको पता नहीं चल पा रहा होगा ठीक से। वो कह रहा कि इसी में 5 तल्ला में, हमने 5 तल्ला में तो केतन से खाली है, बाद में पता चला होगा उसको। तो गया चास, चास गया। हाँ, बोला कि हम कहाँ रहते हैं, हमने कहाँ रहते हैं, तो बोले, और वो अपने पूछा कि चास यहाँ से दूर है, हम कि दूर नहीं है, नया मोड़ जाइएगा और थोड़ा आगे जाइएगा तो है। हाँ, यही तो। अच्छा, यही गाड़ी खड़ा था, हम पूछे शारदा मैम को दिखाया भी गाड़ी। हाँ, का यही गाड़ी तो, नहीं बोला ना, माथा पर टोपी पहना था। हाँ हाँ हाँ, तो हम वो भी बोली शारदा मैम, हाँ यही गाड़ी था। हाँ, यही था। और ऐसा भकवा जाता है की तो बताइए, ऊपर आया था, ऊपर में कोई नहीं है, ना यही नंबर है, देखिए ना यही नंबर है। हम लेकिन नहीं, कोनो नंबर है बाकी ऊपर में अभी इसमें कोई नहीं है, खाली। और चीज बोल रहे हैं आपको, कल जो आया था ना कौन, जिसको लेके आई थी, कोने को क्या था वो बर्तन ना क्या था। हाँ, वो कपड़ा वाली थी, बर्तन ले आती है सब, कपड़ा वाली थी ना। हाँ, वो जब आया ना तो उसके पीछे पीछे एक बाइक वाला वहाँ पे देखे खड़ा था उधर। हाँ, फील्ड के पास, तो बहुत देर से खड़ा था, धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। तो उसका आदमी था का यहाँ पे आया, खड़ा हुआ। हाँ, है ना, हम घुसे ना तो हम यहाँ पे अंदर में जो जहाँ पे बिजली बिजली मीटर रीडिंग है ना। हाँ, वहाँ पे हम मीटर रीडिंग ले रहे थे, निशा जी को भेज रहे थे जल्दी से जल्दी मीटर रीडिंग निकालने के लिए। हाँ, समझे, तो ले रहे थे, तो वो आदमी हमको उधर घुसा और ऐसे करके हमको ऐसे करके देख रहा था। तब हम सोचे कि यहाँ से अभी हमको यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे झांक कर रहा है। तो
हम उससे बात उतने किए। वो आ भी नहीं रहा है, बिजली बिल वाला सर, बिजली मीटर मीटर रीडिंग वाला। और इसीलिए हम अभी बचा रहे थे ना, एक कि बल्ब जैसे बचाना है बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बिजली क्या बोलते हैं अभी नीचे में क्या नहीं बोलते हैं बल्ब जो होता है, बल्ब को बंद करके रख रहे थे, इसीलिए बचाने की कोशिश कर रहे थे कि 6-7 तारीख तक जब तक बिजली बिल नहीं निकल जाता है तब तक बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर नहीं बचाएंगे ना तो सब्सिडी जो छूट मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। आप लोग का बात नहीं, वो जलने जो बल्ब जो जलता है ना पूरा चार तल्ला तक पूरा नीचे तक जो जलता है बल्ब का बात कर रहे हैं, नहीं देखते थे अंधेरा करके रखते थे इसीलिए बचाने के लिए कि 6 तारीख तक कम से कम हमको बचाना है, जब बिजली बिल निकल जाएगा तो उतना टेंशन फिर नहीं रहेगा। ताकि मोटर ज़्यादा चल रहा है ना, अब जब मोटर ज़्यादा चल रहा है तो कहीं ना कहीं से मैनेज तो करना होगा, कहीं से बचाना होगा ना। एक मोटर तो अधिक खा रहा है बिजली बिल खा रहा है, तो कहीं से ना थोड़ा मैनेज तो करना होगा।